उत्तराखंड के विद्यार्थियों, पार्ट फर्स्ट है ये, संस्कृत प्रबोधनी भाग दो है, किताब का नाम पार्ट चार है, लेसन का नाम है भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंथः और ट्वेल्थ क्लास का है। ठीक है, देखेंगे बच्चों गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर भी है, इसी में से आएंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, एकः नवयुवकः अधिवक्तः श्वेतवेषः शिशिरः शिरसी टोपिकः धृत्वता न्यायालयं प्रविष्टवान्। ठीक है, एक नवयुवक है जो वकील है, अधिवक्ता है, और उसने सफेद रंग की टोपी वेश धारण किया हुआ है और सिर पर सफेद रंग की जो है टोपी, सिरसी मतलब सिर पर टोपी का, धृत्वा मतलब वो न्यायालय के अंदर जो है, न्यायालयं प्रविष्टवान, न्यायालय के अंदर जो है चला गया। आंगल न्यायाधीश जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे, एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीय वेश दृष्टवान, वो न्यायालय ने, वो जो न्यायाधीश थे उन्होंने जो है उस नवयुवक की जो है गौरवमय भारतीय है ना, भारतीय वेशभूषा को देखा, दृष्टवातम आदिष्टवान यत, और देखा और कहा, आदेश दिया, टोपिका बिना न्यायालयम प्रविशतु, न्यायालय में अगर आपको प्रवेश करना है तो टोपी उतार दीजिए, अन्यथा बहिर्गच्छतु बाहर चले जाइए। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है तो उसके बाद यहाँ देखिए, सह नवयुवक आंग्लस्य न्यायाधीशस्य समक्षम अवध्रत, उसने वो जो नवयुवक था वो जो अंग्रेजी न्यायाधीश थे उनके समक्ष गया और बोला, अहम न्यायालयम तक्त्युम, मैं न्यायालय को त्याग सकता हूँ, सुनो सोक्नोमी, मैं न्यायालय को त्याग सकता हूँ, परम स्व टोपिका न निश्चयामी, मैं अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा, यतो ही एषा मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति, ये मेरे आत्मगौरव का विषय है। ऐसा करके उसने जो है कहा कि मैं इस टोपी को निकालूंगा नहीं, इसके सामने बोला, अंग्रेजी न्यायाधीश के सामने बोला। अब देखो शब्दार्थ देख लो, गौरवस्य विषय अस्ति, ये मेरे गौरव का, आत्मगौरव का विषय है। अधिवक्ता वकील, श्वेत वेशा सफेद वेशभूषा, सिरसी सिर पर टोपी काम टोपी को प्रविष्टवान प्रवेश किया, आंगल न्यायाधीशा अंग्रेजी न्यायाधीश, एतस्य इसके दृष्टवा देखकर तम उसको आदिष्टवान आदेश दिया, आगे देखें प्रविष्टतु, देखो प्रविष्टतु प्रवेश करो, बहिर्गच्छतु बाहर जाओ, समक्षम सामने, तक्त्युम सक्नोमी छोड़ सकता हूँ, तक्त्युम सक्नोमी छोड़ सकता हूँ, निष्कासयामी निकालूंगा, यतः क्योंकि। ये जो संदर्भ देखें बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधनी भाग द्वितीय भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंथ नामक पाठ से उद्धृत है, मैंने अभी बताया भी था। प्रसंग देखो प्रस्तुत गद्यांश में नवयुवक गोविंद वल्लभ पंथ के स्वाभिमानी चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, उसके स्वाभिमानी चरित्र पर प्रकाश डाले, अनुवाद तो मैंने आपको बता भी दिया था, फिर भी एक बार देखो, एक नौजवान वकील सफेद वेशभूषा और सिर पर टोपी का धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ, नौजवान अधिवक्ता था, वकील था और न्यायालय में प्रवेश हुआ, अंग्रेज न्यायाधीश ने इस नौजवान के गौरवमय भारतीय वेशभूषा को देखकर उसको आदेश दिया कि टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो अन्यथा बाहर जाओ, ये वह नौजवान अंग्रेज न्यायाधीश के सम्मुख बोला, मैं न्यायालय को त्याग सकता हूँ परंतु अपनी टोपी को नहीं निकालूंगा क्योंकि निश्चय ही यह टोपी मेरे आत्मगौरव का विषय है, ये मेरे आत्मगौरव का विषय है। ठीक है, अब देखो इसमें से प्रश्न क्या आ सकते हैं, कीदृश नवयुवक न्यायालयं प्रविष्टवान, 2016 में पूछा है, कीदृश नवयुवक न्यायालयं प्रविष्टवान, है ना, कौन जो है न्यायालय में प्रविष्ट हुआ था, अधिवक्ता मतलब वकील, नवयुवक श्वेत वेश, उसने कैसे कपड़े धारण किए थे, श्वेत
सिरसी टोपी का धृत्वा न्यायालय प्रविष्टवान, और सिर पर टोपी धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। खा देखो, आंगल न्यायाधीश किम आदिष्टवान, अंग्रेजी न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया? आंगल न्यायाधीश आदिष्टवान टोपी का बिना न्यायालय में प्रविष्ट तू अन्यथा बहिर्गच्छ तू, भाई टोपी उतार कर ही आप न्यायालय में आ सकते हैं, वरना बाहर चले जाइए। देखिए अथवा अथवा देखियो, इसी तरह से पूछ सकता है, आंगल न्यायाधीश नवयुवकस्य भारतीय वेशभूषा भारतीय वेशम दृष्ट्वा किम आदिष्टवान, भारतीय वेशभूषा को देख के अंग्रेजी न्यायाधीश ने क्या आदेश दिया? क्वेश्चन वही है, उत्तर भी वही होगा इसका, ठीक है। क्या आदेश दिया उसने, उन्होंने क्या आदेश दिया? ये आदेश दिया, टोपी का बिना न्यायालय में प्रवेश तू अन्यथा बहिर्गच्छतु, टोपी उतार कर ही अब न्यायालय में प्रवेश करें अन्यथा बाहर चले जाएं। ग देखे, न्यायाधीशम किम दृष्ट्वा नवयुवकम आदिष्टवान, न्यायाधीश किम दृष्ट्वा नवयुवकम आदिष्टवान, ठीक है। उसने जब न्यायाधीश ने उसको आदेश दिया तो उसने क्या किया है, क्या देखा? न्यायाधीश नवयुवकस्य, न्यायाधीश नवयुवकस्य गौरवमय भारतीय वेशम दृष्ट्वा नवयुवकम आदिष्टवान, है ना। उसने उस युवक की क्या देखी? भारतीय वेशभूषा देखी। घ देखे, नवयुग कहा आंगल न्यायाधीशम किम अवदत, 2016 में पूछा है, क्या पूछा उसने? नवयुवक आंगल्य न्यायाधीशम, न्यायाधीशम किम अवदत, क्या कहा उसने नवयुवक ने अंग्रेजी न्यायाधीश को? न्यायाधीश नवयुवकम गौरवमय भारतीय वेशम दृष्ट्वा नवयुवकम आदिष्टवान, और उसने आदेश दिया, आदेश दिया दृष्ट्वा अन अन प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कृत ध्री धन कत्वा प्रत्यय। अगला देखो, क्या देखो, नवयुग कहा किम न निष्क्या निष्कास्यति, 2016 में नवयुग कहा तो स्व टोपी काम न निष्कास्यति, उसने टोपी निकालने से मना कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी ऐसे ही महापुरुष थे। इन्होंने अपनी देश के आत्मगौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासकों के साथ संघर्ष किया तथा अनेक प्रकार की यातनाएं सहन की। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात इन्होंने अपने प्रशासनिक पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए देश की महती सेवा की, महती सेवा भी की इन्होंने। इनका संपूर्ण जीवन आधुनिक राजनेताओं प्रशासकों और नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे उनको अपनी भारतीय वेशभूषा पर बहुत गर्व था। किसको गर्व था बच्चों, किसको गर्व था? गोविंद वल्लभ पंत को जो है गर्व था। देखो एक बारी इस पाठ का सार जो है मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, फिर संस्कृत में धीरे धीरे करके बताती रहूंगी। परिचय देखें, इसमें मैं न्यायालय को देखें, इधर देखो, सबसे ऊपर देखो परिचय में, मैं न्यायालय को त्याग सकता हूँ किंतु टोपी को नहीं त्याग सकता हूँ, क्योंकि यह मेरे आत्मगौरव का विषय है। पहले जो बेटे सिर पे टोपी लगी होती थी ना, वो सम्मान का प्रतीक होती थी, और हर कोई जो है सिर पे टोपी लगाते थे, हर व्यक्ति जो है सिर पे टोपी लगाते थे, एक आत्मगौरव की बात हुआ करती थी। चाहे आप ना राजस्थान की तरफ ले लो, या महाराष्ट्र की तरफ ले लो, उत्तराखंड की तरफ ले लो, पहले जो है टोपी लगाना बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। भारतीय वेशभूषा में जो है टोपी लगी हुई थी पहले। अंग्रेज न्यायाधीश को इस प्रकार का मुंह तोड़ उत्तर देने वाला युवा अधिवक्ता कोई और नहीं वरन गोविंद वल्लभ पंत ही थे। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गुप्ता नामक ग्राम में सन 1887 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मनोहर पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षाएं नाना श्री बद्रीदत्त जोशी के घर हुई थी। इसके पश्चात उच्च शिक्षा प्रयाग में संपन्न हुई। यहीं पर रहते हुए इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। कानून की शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने वकालत को अपनी आजीविका का साधन बनाया। साइमन आयोग का विरोध सन 1927 में
साइमन आयोग के विरोध में एक महान आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बल प्रयोग किया। इसी बल प्रयोग के समय एक बार इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्राणों की रक्षा के लिए डंडे के प्रहारों को अपने सिर पर सहन किया। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने उत्तराखंड में नामक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और नेतृत्व किया। भाषा विवाद के निवारण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस दल के नेता हुए, फिर संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो आप देखें, अपनी प्रतिभा के बल पर भारत की संविधान परिषद के सदस्य बने ये, और संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री, अनेक समितियों और संस्थाओं के सदस्य बने। देश सेवाओं को देखते हुए सन 1957 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अंततः 7 मार्च सन 1961 में ये स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार से इन्होंने जो है हमारे देश के लिए जो है अपना जीवन समर्पित किया। तो उच्च कोटि के वो राजनीतिज्ञ भी थे, वकील तो थे ही, वो मुख्यमंत्री भी रहे, ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, संविधान सभा के सदस्य भी नियुक्त रहे। और इस प्रकार से उन्होंने उनको जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये मैंने आपको हिंदी बताई है, उसकी संस्कृत हम धीरे धीरे, आज पाठ हमने पाठ फर्स्ट कराया इसका, धीरे धीरे आप इसको क्या करोगे बच्चों, घर पे अच्छे से क्या करोगे, खूब अच्छे से इसको रिवाइज करोगे। वीडियो को कहीं भी जाओगे, अपनी देखते हुए जाओगे, कहीं शांत जगह पे बैठ के इसको आराम से देखोगे, दो दो तीन तीन बार देखो, है ना। और जहां भी जा रहे हो, किसी भी काम से, जरूरी नहीं एक समय पे, किसी काम से भी जा रहे हो, वहां पर इसको ले जाके देखते रहो। और जब तुम इस प्रकार से इसको पढ़ते रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत है, लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। प्रश्न उत्तर भी याद करें, पेपर में जरूर आएगा इसमें से, याद रखें इस बात को। दो दो तीन तीन घंटे खूब अच्छे से पढ़ें और बार बार प्रैक्टिस भी करें, बार बार आप प्रैक्टिस भी करें, ये नहीं कि प्रैक्टिस ना करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा ये, मैं पहले बता रही हूँ। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, है ना, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह तपना या जलना सीखो। अगर आप विद्वान बनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छा पैसा चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे मन लगे या ना लगे। मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपका पेशा हो। आपको अगर अभी आप जो है विद्यार्थी जीवन में है बच्चों, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना, पढ़ना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आपके मम्मी पापा कहते होंगे थोड़ा घर के काम में हाथ बटाओ, तो हाथ बटाने के लिए भी क्या करना है, अपने साथ मोबाइल ले जाना है या वीडियो को तीन चार बारी देखना है, उसको नोट कर लेना है, फिर कॉपी को ले लेके साथ में इधर उधर, ये नहीं कि सारा दिन बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, इधर उधर घूमने में बर्बाद कर दिया, गप्पों में बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ, आखिरी समय में बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जो भी समझें इसको, खूब अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ें, जितना हो सके अपना टाइम जो है यूटिलाइज करें, है ना, यूटिलाइज करें। और आशा करती हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे, मेरी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, ये इसका सेकंड पार्ट जो है हम बनाएंगे। धन्यवाद।